Technical GeoVisit now. दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकल जीए चैनल में। मैं हूं गैसुद्दीन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो आपकी साइट में स्लाइड इमेज को कैसे चेंज किया जाता है, मतलब कि आप अपने कोई भी इमेज को स्लाइड शो से कैसे दिखाया जाता है, वो मैं आपको इस वीडियो के पार्ट में बताने वाला हूँ कैसे वो आपका साइट में स्लाइड इमेज को चेंज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपेरा मेन्यू खोलते हैं। ओपेरा मेन्यू खोलने के बाद आपको गूगल सर्च बॉक्स में wapka.com लिखना है। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, wapka.com इसमें लिख देना है। ये देखिए हमारा गूगल सर्च बॉक्स ओपन हो चुका है, इसमें लिखना है wapka.com। फिर इसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है सर्च वाले बटन पर। फिर आपको यहाँ सेकेंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है इसमें। चलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यूजर सेंटर पर आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन हो सकते हैं। ये देखिए फिर आपको यहाँ साइट लिस्ट में आना है। फिर इस साइट लिस्ट में आने के बाद यहाँ पे मैनेज पर क्लिक कर देना है, जिससे मैं मैनेज पर क्लिक कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपको एडमिन मोड पर आना है। एडमिन मोड पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो न्यू पेज का आइकन है ऊपर में यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखें न्यू पेज का आइकन ऊपर में, इस पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पिक्चर का पेज सेलेक्ट करना है। इसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। ऐड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इंटरफेस आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ क्या करना है, अपलोड पिक्चर पर सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है अपलोड पिक्चर पर। इसमें अपना फाइल चूज करना है, मतलब आप किधर से इमेज लगाना चाहते हैं। जैसे मैं ये वाला इमेज लगा दे रहा हूँ 100, इसको साइज में 120 पिक्स पर कर देता है। फिर इसके बाद अपलोड पिक्चर पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद एक और इमेज सेलेक्ट करना है, मतलब आपको जितना भी इमेज चाहिए वो इसमें चूज करके अपलोड कर सकते हैं। एक ये वाला मैं कर दे रहा हूँ। फिर इसके बाद 120 इसको कर दे रहा हूँ। फिर अपलोड पिक्चर पर क्लिक कर देना है। फिर एक और इमेज मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ये वाला। फिर इसके बाद 160 इसको भी सिलेक्ट, आपको कोई भी इमेज का एक ही साइज रखना है। जैसे 160 में मैं मारा तो 160 ही रख रहा हूँ। आपको 200 पिक्सल में मारना है तो 200 में रख दीजिएगा, 240 में मारना है तो 240 में रख दीजिएगा। मतलब आपका जितना इमेज का साइज चाहिए बड़ा उतना रख सकते हैं। मैं 160 का क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद अपलोड पिक्चर पर क्लिक कर देता हूँ। अपलोड पिक्चर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ शो पिक्चर पर क्लिक करना है। शो पिक्चर, देखिए हमारा तीनों इमेज ये अपलोड हो चुका है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक और पेज खोलना पड़ेगा wapka.com। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। गूगल सर्च बॉक्स में लिखना पड़ेगा wapka.com। चलिए wapka.com में लॉगिन होकर आपको दिखा दे रहा हूँ। सॉरी ये दूसरा कुछ लिखा गया, wapka.com। फिर इसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ आपको ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ नया सा पेज ओपन होगा। यहाँ पे आए, साइट लिस्ट में आए अपने, जिसमें आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ मैनेज पर। फिर एडमिन मोड पर क्लिक कर देता हूँ। एडमिन मोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ HTML टैग पर क्लिक कर देना है। यहाँ न्यू पेज का जो सबसे ऊपर आइकन है इस पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद क्लिक करने के बाद आप ऐसा पेज में आ जाएंगे, यहाँ WML HTML कोड पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ टाइप करना है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या लिखना है। चलिए ये वाला कोस्ट ले लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ लिखना है छोटा अक्षर में कैपिटल लेटर में MarQ। फिर इसके बाद बंद कर देना है इसको बंद कर देना है। फिर आपको इमेज यहाँ पे पेस्ट करना है, इमेज का जो URL है यहाँ पे पेस्ट करना है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे पेस्ट करना है। इसका हम URL इसका निकालना है तो U पर क्लिक करेंगे।
ये देखिए ये वाला कोड है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं अच्छे से। जैसे ये कॉपी हो गया, फिर इसके बाद वहाँ आपको इसको पेस्ट कर देना है। चलिए पेस्ट करके मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। देखिए ये हमारा इमेज हो गया और दूसरा इमेज हमको यहाँ पे पेस्ट करना है। चलिए दूसरा इमेज मैं ला रहा हूँ, यहाँ पे बैंक जाते हैं, फिर ये वाला ई ऊपर क्लिक करना है। आपको जो भी इमेज चाहिए उसको ई ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए मैं इस का कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसके बाद उसमें पेस्ट कर देता हूँ WXTML कोड में। चलिए यहाँ पर भी इसको पेस्ट करना है, चलिए यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए एक इमेज और बच गया। आपको जितना इमेज चाहिए उतना आप अपलोड करके ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये वाला है, इस पर यू पर क्लिक कर दिया है, यू से URL निकला जाता है, इसको कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, फिर वापस उस साइट में इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ये देखिए हमारा इमेज हुआ है कि नहीं। एक दो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, हाँ एक और इमेज यहाँ पे पेस्ट करना है, जिसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन सा पेस्ट करना है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कोस्ट वाला ये बन वाला चिन्ह लेना है, जैसे ये वाला लिख लिया, फिर आपको ये स्लैश लेना है एक ये वाला, फिर लिखना है मार क्यू, फिर इसके बाद पोस्ट को बंद कर देना है। ये देखिए आपका इमेज हो गया, कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल है। ऐसे करने के बाद आपको यहाँ अब इसको सेंटर में क्लिक कर देते हैं, फिर इसके मैं इसको इंड में कर देता हूँ, फिर इसके बाद सबमिट में क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए आपका यहाँ इमेज सेट हो चुका है। देखिए नीचे में मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये यह देखिए यहाँ पे हो चुका है। अगर आप इसे क्रोम ब्राउज़र से खोलेंगे तो ये चलता हुआ दिखाई देगा, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्रोम ब्राउज़र से खोल के। इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, वेट करना पड़ेगा। ये देखिए जैसे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए मेरा साइट ओपन हो रहा है। ये देखिए दोस्तों आपका यहाँ स्लाइड इमेज लग चुका है, ये देखिए यहाँ नीचे में, ये देखिए। तो दोस्तों आप सीख चुके हैं, देखिए ये मेरा इमेज का साइज पहले ही से ही बड़ा था, इसलिए बड़ा में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप सीख चुके हैं कि वो आपका साइट में स्लाइड इमेज को कैसे चेंज किया जाता है, मतलब कि अपने से आप इमेज कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। एक रिक्वेस्ट और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ पैसे नहीं लगते हैं। अगर आपको इस साइट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपका साइट रिलेटेड आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। मेरा इसमें नंबर भी दिया होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।